यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती प्रोटीन की किल्लत का बहरान चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। 4 हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर पर दालों की किल्लत देखी जा रही है। क्या वजह है? इंतजामिया इस हवाले से क्यों कुछ नहीं कर रही? शहजाद खान अब्दाली से बात करेंगे। जी शहजाद, बिल्कुल। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर दालों की किल्लत का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर जो दालें हैं उनकी किल्लत देखी जा रही है और गरीब तबका ये सस्ती प्रोटीन ख़रीदने से महरूम दिखाई देता है। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोरों पर जिनमें दालों की शॉर्टेज देखी जा रही है उनमें दाल माश छिलका, दाल माश तुली, इसके अलावा दाल मूँग, साबुत मूँग और इसके अलावा साबुत मसर और दाल मसूर के अलावा दीगर दालें भी शामिल हैं। तो शहर की ओपन मार्केट के अंदर और होलसेल मार्केटों के अंदर अब चीनी के नर्ख भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं और वो 140 रुपये फ़ी किलोग्राम परचून में ट्रेड हो रही है। लेकिन अगर हम शहर के यूटिलिटी स्टोरों की मजमूई तौर पर बात करें तो वो जो है वो तकरीबन 155 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत अपने ही स्टोरों पर जो दालों की दस्तियाबी है उसको यकीनी बनाए और इसके साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो इशाई ज़रूरिया कंपेरेटिवली टू ओपन मार्केट। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान।